मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नज़र। आपके ज़िले में अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, जानने के लिए आपके ज़िले का नाम कमेंट में ज़रूर बताएँ। जनवरी के आते ही उत्तर भारत में सर्दी ने असली रंग दिखाना शुरू किया तो लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया। सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक तो उधर छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक भयंकर ठंड की चपेट में है। ऊपर से मौसम विभाग राहत के कोई संकेत नहीं दे रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को हरियाणा के नागरोला, दिल्ली के आयानगर और UP के कानपुर शहर में सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। आने वाले मंगलवार तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के आसपास कुछ हिस्सों में शीत लहर चलेगी, यानी कि 15, 16 और 17 जनवरी को भी दिल्ली वालों पर ठंड का वही 3rd डिग्री वाला टॉर्चर होगा। यही नहीं, IMD की भविष्यवाणी के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक उत्तर भारत में घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। इसलिए वाहन चलाने से पहले एक बार कोहरे पर नज़र जरूर डाल लें। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भी कोल्ड डे का अलर्ट है, यानी कि वहां भी लोगों को सर्द हवाओं का सामना करना पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में तापमान अभी 3 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच है। राजस्थान और बिहार के अलग अलग इलाकों में तापमान 8 डिग्री के आसपास है, मगर आने वाले दिनों में ये तापमान और नीचे गिरने के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को छोड़ दिया जाए तो उत्तर और मध्य भारत के आसपास कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक कम रह सकता है। वहीं सोमवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। कड़ाके की ठंड के बीच यूपी के 26 जिलों में पहले से ही अलर्ट जारी है। ऐसे में उत्तर से आती बर्फीली हवाएं लोगों के लिए और परेशानी खड़ी कर सकती है। पंजाब में भी शनिवार और रविवार को रिकॉर्ड तोड़ ठंड देखने को मिली। सबसे ठंडा अमृतसर रहा, जहां न्यूनतम तापमान सीजन का सबसे कम 1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 3 डिग्री कम था। ठंड की वजह से मौसम विभाग ने यहां रेड अलर्ट जारी कर रखा है। मौसम विभाग को डर है कि कहीं तापमान नीचे गिरकर 1 डिग्री तक न पहुंच जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर भारत में जनवरी के आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है।